नमस्कार, उद्देश्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीजगणित से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्रों को देखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। बीजगणितीय सूत्र में पहला देखिए, a प्लस बी के घात दो का होता है, ठीक ना। यहाँ पर a प्लस बी लिखिए चाहे x प्लस वाई लिखिए, ठीक ना। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस में देख लेते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना। इन दोनों में यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लग गया। अब देखते हैं इसमें अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, जैसे a प्लस बी के घात दो प्लस इसको भी इसमें a माइनस बी का घात दो, तो क्या सूत्र बनता है इसमें। देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बस ये और ये बचेगा, तो a स्क्वायर दो बार b स्क्वायर दो बार, तो लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर फोर देखते हैं, अगर इनको घटा ले तो a प्लस बी का घात दो माइनस a माइनस बी के घात दो बराबर, तो इसमें फोर ए बी है बचेगा। फिर अगला देखते हैं, अगर हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करना हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, हम इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या बनेगा सूत्र, a प्लस बी का घात दो ये अंदर जाएगा तो माइनस टू ए बी हो जाएगा। इसी प्रकार अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से भी एक फॉर्मूला बन जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा a माइनस बी के घात दो, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो प्लस टू ए बी हो गया। फिर देखते हैं इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये घात दो पर हो गए। अब अगला फॉर्मूला देखते हैं, ए प्लस बी के घात तीन का सूत्र क्या होता है, ठीक ना। तो इसका देखते हैं, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसी प्रकार इसका एक सूत्र और होता है, जब इसको हम ओपन कर देंगे, है ना, इसका उड़ा इसमें और इसका उड़ा इसमें करके कर देंगे तो एक फॉर्मूला और बन जाएगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस जब इसका उड़ा इसमें करेंगे तो हो जाएगा थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए, अब बी बी का गुणा हो जाएगा तो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक ना। तो इसका ये हो गया। नौवा देखते हैं, a माइनस बी के घात तीन का सूत्र, तो इसका होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी और कोष्टक में भी माइनस, देखिए सब जो है माइनस लग गया। इसका भी जब ओपन कर लेंगे तो एक सूत्र और बन जाएगा इसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको ना अंत में लिख लेंगे इसको, ठीक ना। ये देखिए ये लिखा, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, ठीक है ए क्यूब यहाँ माइनस लिखना, यही माइनस लिख सकते हैं चाहे वो अंत में लिख सकते हैं। तो देखिए ये होता है माइनस थ्री ए स्क्वायर बी और ये जब इसका उड़ा इसमें हो जाएगा तो प्लस जो आएगा थ्री ए बी स्क्वायर और ये माइनस यहाँ लिख देते हैं, ठीक ना। लिखने के लिए यहाँ भी लिख सकते हैं मगर ये ऐसे ही फॉर्मूला मिलता है किताबों में, इसलिए हम ऐसे लिख दिए हैं। थर्ड दसवां देखते हैं, अब अगर हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र ज्ञात करना हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र ज्ञात करना हो तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो एक फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का क्यूब, इसको अंदर पक्षांतर कर दें तो माइनस थ्री ए बी और a प्लस
बी, ये फॉर्मूला बन गया। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र अगर चाहिए तो एक फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ये रहा ए माइनस बी का क्यूब, और ये इधर जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस का प्लस जाएगा, तो प्लस थ्री ए बी ए माइनस बी। तो ये हो गया। अगला फॉर्मूला देखते हैं, 12, 12 में है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसका फॉर्मूला एक और होता है ए प्लस बी, और अगले कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना। तो इसी तरह एक माइनस का भी होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहाँ सब यहाँ माइनस हो जाएगा ए माइनस बी, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। ये 13 हो गया। अब 14वां फॉर्मूला देखते हैं, अगर हमें a प्लस बी का मान ज्ञात करना हो तो a प्लस बी बराबर ऐसे हो सकता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये बटे में चला जाएगा इसके, तो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसी प्रकार एक फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी के लिए, तो a माइनस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे, इसको इसके नीचे पक्षांतर कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। 16, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, और अगले कोष्टक में लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी, माइनस में रहेगा माइनस सी ए, ठीक ना। अब देखिए इसमें कुछ कंडीशन होता है यदि, तो इससे एक फॉर्मूला और बन जाता है, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो अगर हो जाए, ठीक ना, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाता है और ये जीरो हो जाएगा, तो इसका इसमें करेंगे तो सब ये जीरो हो जाएगा, ठीक ना। किसी भी जीरो, यहाँ जीरो हो गया, इसका मान जीरो हो गया, जीरो गुणा किसी भी चीज़ में करेंगे तो जीरो हो जाता है, मतलब ये पद पूरा जीरो हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला बनता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी बराबर जीरो, इसको उधर पक्षांतर कर सकते हैं, लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर थ्री ए बी सी, तो एक फॉर्मूला ये बन गया, ठीक ना। अब देखिए अगला फॉर्मूला एक होता है a प्लस बी प्लस सी का घात 2, तो इसका क्या फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक ना। इन दोनों को लिया, फिर 2bc प्लस 2ca, इसी प्रकार अगर माइनस में हो, अगर यहाँ पर a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर, ठीक ना, एक जो है माइनस में हो गया, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2ab, ठीक ना। अगर माइनस b है तो इनमें जहाँ जहाँ b आएगा वो वाला पद माइनस में चला जाएगा, तो माइनस 2ab, अब देखिए यहाँ भी b है तो माइनस 2bc हो जाएगा, और यहाँ 2ca। इसी प्रकार एक और है, अगर सभी माइनस में हो जाएं, a माइनस बी माइनस सी के घात 2, तो देखिए तो a माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca, ठीक ना। ए बी गुणा करेंगे तो एक माइनस आ जाएगा, बी सी गुणा कर रहे हैं यहाँ पर तो दोनों माइनस है तो प्लस हो गया, सी अगुणे ए करेंगे तो इसमें एक पद माइनस में है तो ये माइनस में आ गया। आज हमने बीजगणित के महत्वपूर्ण सूत्रों को देखा, अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के संग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।